आप लोग हमेशा ये शब्द चर्चा में सुनते रहते होंगे, कभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, कभी आप देखते हैं न्यूज़पेपरों में, कहीं ना कहीं आपको ये शब्द देखने को जरूर मिल जाते होंगे। पहला पॉलीग्राफ और दूसरा नार्को परीक्षण, नार्को टेस्ट। अभी जो आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी हाथरस में, उसी के संदर्भ में एक तरह से फिर से चर्चा में उभर आए हैं। और इनसे आप देखेंगे मेंस में आपके हो और फिर चाहे आपका प्रीलिम्स, या फिर आप देखते हैं कहीं भी क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, उससे पहले एक और जानकारी दे दूं आपको कि देखिए कभी भी हम या कोई भी आपसे किसी तरह की बात होती है जो हकीकत है, अभी आप देखते होंगे कि कांग्रेस की तरफ से आर्टिकल लिखा जाता है तो उसमें बीजेपी की बुराई रहेगी, 100% सही बात है। और आप देखते हैं कि बीजेपी का अगर कोई नेता लिखता है कोई आर्टिकल तो उसमें आप देखते हैं कि कांग्रेस की बुराई रहेगी, अन्य पार्टियों की बुराई, अपनी अच्छाई रहेगी उसमें। समझ रहे हैं आप लोग? किसान अभी जो भी बिल आए हुए हैं उसमें आपने देखा है कि जो आर्टिकल उनकी तरफ से लिखा गया है बीजेपी की तरफ से, उसमें जो भी समस्याएं हैं किसानों की उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। और आप कांग्रेस की तरफ से जो आर्टिकल लिखे गए हैं उन्हें उठा के देखिए आप लोग, उसमें जो फायदा भी है किसानों के उन्हें भी सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आप समझिए कि एक दूसरे की बुराई में कोई कसर नहीं छूटते। तो आप लोगों को एक बीच का रास्ता चुनना है। समझ रहे हैं कि मतलब कम से कम आपको मालूम तो होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे आंसर लिखने के लिए आएगा तो आप किसी के पॉजिटिव पॉइंट यानी कि सकारात्मक सकारात्मक पॉइंट नहीं लिख देंगे, आपको सकारात्मक पॉइंट भी लिखना है, नकारात्मक भी पॉइंट लिखना है, उसके बाद एक अपना अपनी तरफ से व्यू भी देना है। पूरा आप सोचिए कि पूरा बैलेंस बनाया हुआ आंसर लिखना है आपको। तो यही पकड़ना आना चाहिए मुझे लगता है। तो किसी भी तरह की बात कर रहा है, अब देखिए आप देखते हैं कि सर्वेक्षण होता है, रिपोर्टें आती हैं। तो अभी आपने देखा है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बात हो, या कोई भी मामला हो, ST ST या किसी भी समाज के किसी भी अपराध में ये मामले होते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि रिपोर्ट कितने होती है। आप 1000 में से देखेंगे एक आध दो व्यक्ति अगर रिपोर्ट लिखवा दें, महिलाएं अगर एक दो रिपोर्ट दर्ज करवा दें, बहुत बड़ी बात होती है। वरना अधिकतर मामले में तो आप देखते हैं कि वो दबा दिए जाते हैं, समाज का प्रेशर रहता है या परिवार का प्रेशर रह के। तो आपको मालूम है कि 1000 तरह के इस तरह के आंकड़े घट रहे हैं, मतलब घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आप लोग आंसर लिखेंगे तो कब, वहां कौन सा यूज करेंगे आंकड़े, सरकारी रिपोर्ट वाले। हकीकत कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा सरकारी आंकड़े यूज करना है। आपका जो भी आंसर राइटिंग चेक होगा वो हमेशा आंसर वो आपका सरकारी आंकड़ों पर होगा। अब कई लोग आप देखिए मोदी के बारे में, चलिए मोदी की योजनाओं के बारे में कहीं पूछ लिया आपसे, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी योजनाओं को नकार दें एक तरफ से, क्योंकि आप मोदी का मतलब मोदी साहब का एक तरह से विरोध कर रहे हैं। देखिए हर मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि एक आदमी कोई भी है, हम हैं आप हैं या कोई भी है, हम में अच्छाई भी है गराई गलत मतलब कुछ बुराई भी होगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी तरह की आप देखेंगे हाथरस का जो भी घटना रही है, मैं तो कहता हूं देखिए जो भी घटनाएं घटी हुई है आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं या आसपास कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कितनी मतलब आप एक तरह से जितना समाज का मतलब आप सोचिए इंसानियत मानवता गिर सकती है उतनी गिर चुकी है। कई लोग पक्ष में हैं, कई विपक्ष में हैं, आप देख रहे हैं कई मतलब अपनी जात पात ढूंढ रहे हैं, कई आप देख रहे हैं कि उनका साथ दे रहे हैं जिन्होंने गलत किया, या देखिए अभी कोई वो नहीं कह सकते हैं कि ठीक है जो भी मामला है, लेकिन कुछ सवाल दो तीन सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ये अपने आप से कभी क्वेश्चंस किया करिएगा इस तरह के कि मतलब अगर चलिए मान लेता हूँ कुछ नहीं घटना घटी, तो लाश को इतने जल्दी मतलब उस लड़की की लाश को इतने जल्दी जलाया क्यों गया परिवार की मतलब इजाजत के बिना। आपने देखा है जब इस क्लियर भी है कि किस तरह से जलाया गया रात में, सुबह भी होने देते। और एक अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता हो कि लाश खराब हो रही थी या उस लड़की की, तो याद रखिए कई तकनीकी हैं हमारे यहाँ, कई इस तरह की है कि हम लोग 7 से 8 8 10 10 दिन रख सकते हैं लाश को, नहीं खराब होगी। समझ रहे हैं? तो एक सवाल तो यही उठता है, दूसरा चलिए कोई नहीं था, और एक समझिए आप लोग बात कि अधिकारी की हिम्मत इतनी नहीं है
अधिकारी की औकात कितनी होती है आप सभी लोग जानते हैं। जब तक कि ऊपर से कोई मिला ना हो तब तक इस तरह की घटनाएं कभी नहीं घटती हैं, ठीक है। और एक डीएम कितनी उसकी पावर होती है आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा सवाल है इसमें कि चलिए मान लेता हूं कि कुछ नहीं था, तो उसमें आप सोचिए मीडिया को जो भी नेता जा रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी सपा कोई भी जा रहा हो मिलने के लिए, क्यों नहीं मिलने दिया गया, मिलने देते क्या फर्क पड़ता। गांधी और आप नेहरू और आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप अंबेडकर साहब के समय देखते हैं कि चारों लोगों में मन मतलब एक तरह से उनकी आपसी जो भी मुद्दे थे उन पे बनती नहीं थी। कई मुद्दे ऐसे थे कि गांधी जी के और नेहरू के बीच नहीं बनती थी, अंबेडकर और आप सोचिए भीमराव अंबेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच नहीं बनती थी। आप देखेंगे नेहरू और वल्लभ भाई पटेल साहब के बीच नहीं बनती थी। फिर भी आपने देखा है कि नेहरू की कैबिनेट मंत्री बनी, जब कैबिनेट हुई प्रधानमंत्री बने उसे सबको एक तरह से आपके ये सम्मिलित किया गया उसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय पढ़े लिखे लोग थे। भीमराव अंबेडकर साहब जैसे कानूनी मामले में आप समझिए कि वो महारत हासिल किए हुए थे। आज उन्हीं की एक तरह से आप देन कहिए कि हम लोग समझिए कि इस तरह का संविधान लिखा गया है कि आज पूरा भारत एक है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम आजाद हो रहे थे तो उस समय कई देशों ने कहा कि भारत कई टुकड़ों में हो जाए बट जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति अलग अलग है, कई हिस्सों में भाषा बोलने वाले विभिन्न धर्म समूहों के लोग रहते हैं, फिर भी हमारी एकता बनी रही। आप सोचिए कि हम लोग एक बने रहे, तो आप एक तरह से कहिए कि राष्ट्रवाद का अगर मेन कारण है तो वो है आपका संविधान। अभी आप देखिए नेता को किसी में मतलब एक तरह से भरोसा नहीं होगा, लेकिन हमें संविधान में भरोसा होगा, हमारा जो संविधान है उसमें हमें भरोसा हमेशा रहता है, ठीक है। और तीसरा आपका ये कौन क्वेश्चन है, ये अधिकतर लोग मतलब इस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं सोशल मीडिया फेसबुक आप लिख भी रहे हैं, मैं उनसे एक मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इससे पहले आपने देखा है लॉकडाउन में भी कई लोगों ने सवाल इस तरह के लिखे हैं और भद्दे कमेंट मतलब अपनी इंसानियत की हद जितनी गिर सकती है उतनी गिर के लिखते हैं। आप सोचिए कि मतलब सोचते भी नहीं है कुछ भी बोल देते हैं लिख देते हैं, तो उनसे इतना ही है कि अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन के टाइम 25 वो मजदूर मर चुके थे, आपने देखा है ट्रेन के सामने कितने थे, आपको बेहतर मालूम होगा मुझे इतना वो नहीं है, काफी देखिए काफी घटनाएं घटी हैं। और एक आपने देखा है कि महिला ने बच्चे को जन्म दिया और फिर उसके बाद वो चलने लगी, एक वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, फोटो आपने देखा होगा, तो कई पंखे कूलर एसी की हवा में मतलब बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे ज्ञान बांट रहे थे। तो आप सभी से इतना ही पूछ रहा हूं मैं कि उस परिवार की जगह अगर आपके परिवार के साथ अगर ये घटना घटी होती तब क्या आपका इसी तरह का सोच रखते, क्या इसी तरह के मतलब अपने मुंह से जो शब्द निकाल रहे हैं बोलते, क्या इसी तरह के उपयोग जो भी शब्द आप उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग करते और इसी तरह आप बर्ताव करते जिस तरह अभी भी कर रहे हैं आप लोग। इतना अपने आप से कभी पूछिए मतलब कि अगर उस परिवार भगवान ना करे किसी की भी, मैं तो कहता हूं कि समाज में ही इस तरह की घटनाएं ना घटे भगवान से यही दुआ करता हूं, फिर भी आप अपना इतना दिमाग चलाते हैं तो कम से कम उस परिवार की जगह अपने आप को रख के देखिए 2 मिनट के लिए, फिर सोचिए आप लोग कि आप कितना सही है कितना गलत है। देखिए सही गलत का साथ देना बहुत मतलब आप समझिए कि मुझे नहीं लगता है कि सही का मतलब गलत का साथ देकर आप कुछ उखाड़ लेंगे, हमारा खून है इससे मतलब नहीं है वो, अगर गलत हमारा खून भी कर रहा है तब भी उसके साथ उसका हम साथ नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि आप गलत का साथ देकर 100 साल 200 साल जी जाए क्या फर्क पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि सिंधिया साहब ने दिया तो था साथ, 1857 की क्रांति में आप समझते हैं ना, आप इतिहास की बुक्स उठा के देखिए एक शब्द जुड़ा हुआ है गद्दार सिंधिया, आज भी आप देखते हैं कि उसका उपयोग होता रहता है। रानी लक्ष्मीबाई के देखिए आप लोग क्या हम लोग सब याद करते हैं उन्हें पूछते हैं, तो इसी तरह का देखिए आज जो भी कर रहे हैं आप लोग वो इतिहास लिखा जाएगा। हम अगर चुप्पी साधे हुए हैं, हम अगर नहीं बोल पा रहे हैं, हम जो भी करेंगे वही, मैं तो कहता हूं देखिए साफ है कि खुली हुई जिंदगी रहनी चाहिए, कोई जिंदगी में बुराई 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 कुछ नहीं, कोई पासवर्ड मासवर्ड नहीं, जैसा हूं हूं
क्या फर्क पड़ता है। चलिए खैर बहुत बातें हो गई, ये कुछ विचार हैं आप लोग, तीन चार सवाल हैं आपके सामने, आप लोग खुद सोचिए आपकी मन में भी अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि मैंने हमेशा बोला है कि अगर अकबर के बारे में आपको याद रखना है, शिवाजी के बारे में आपको याद रखना है, तो उनकी जगह अपने आप को रखिए, आप उन घटनाओं को अपने आप से जोड़ लीजिए, आप बेहतर समझ में आ जाएगा और बेहतर याद रख पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, इतिहास को पढ़ने का मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बेहतर मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह इसी समस्याओं को देखिए कि उस जगह अगर आप होते तो इस समस्या से कैसे निकलते, क्या करते, आपका डिसीजन क्या होता। तो इस तरह के आप लोग अपने दिमाग में सोचा करिए, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी रास्ता मत चुना करिएगा, ऐसा किसी का साथ मत दिया करिएगा कि आत्मा आपकी साथ ना दे रही हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें पॉलीग्राफ और नार्को, ये हमेशा आप लोग सुनते रहते हैं, काफी चर्चा में भी बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रवक्ता ने हाल ही में स्पष्ट तौर पर कहा है कि हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच के तहत पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण किए जाएंगे। सरकार के अनुसार इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के अलावा सभी अभियुक्तों और पीड़ित पक्ष के सभी लोगों का पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण किया जाएगा। आखिर क्या होता है पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण, क्योंकि आप देखते हैं हमेशा एक तरह से ये न्यूज में बने रहते हैं। पॉलीग्राफ परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस स्थिति में उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं किसी सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से अलग होती है। एक बात आप लोग सुनते हैं ना कि आप अगर झूठ बोल रहे हो तो ज्यादा टाइम तक आप बोल नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका सच उभर के आ जाता है सामने। तो उसी जैसी उसी तरह की ये घटना है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका जो भी एक तरह से प्रतिक्रिया होगी वो सामान्य स्थिति में जिस तरह से आप सच है उस तरह से नहीं रहेगी, बदल जाएगी। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान कार्डियो कप या फिर सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसी जैसे तक अत्याधुनिक उपकरण व्यक्ति के शरीर से जुड़े जाते हैं और इनके माध्यम से रक्तचाप, स्पंदन, श्वसन, पसीने की ग्रंथि में परिवर्तन और रक्त प्रवाह आदि को मापा जाता है। साथ ही इस दौरान उन उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति की प्रत्येक शारीरिक प्रतिक्रिया को कुछ संख्यात्मक मूल्य दिया जाता है ताकि आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह व्यक्ति सच कह रहा है अथवा झूठ बोल रहा है। फिर आप सुनेंगे पॉलीग्राफ परीक्षण क्या होता है। जानकारों का कहना है कि इस प्रकार का परीक्षण पहला परीक्षण 19वीं सदी में इतालवी क्रिमिनोलॉजिस्ट सेसारे लॉम्ब्रोसो द्वारा किया गया था। कब? 19वीं शताब्दी में, जिन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप में बदलाव को मापने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार के उपकरण बाद में वर्ष 1914 में अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम मार्स्टर्न और वर्ष 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन द्वारा भी बनाए गए थे। तो एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कि इस तरह से आप समझिए कि ये हकीकत है कि किसी घटना को आप खुद फील भी कर सकते हैं, किसी घटना को आप लोग सच बोल के देखिए और गलत बोल के देखिए। आप देखिए कि कभी आप अपनी जिंदगी में फॉलो करके देख लीजिए, सही का साथ दे के देखिए आप लोग और गलत का साथ देकर देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि जिंदगी क्या है। गलत का साथ देंगे तो मुझे लगता है कि आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी ना कभी आपको एहसास तो होगा कि आपने गलत रास्तों पर चलाए हैं या गलत का साथ दिया है, और आप सच का साथ दे रहे होंगे। मुझे लगता है कभी पछताना नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, नार्को परीक्षण की बात करें तो पॉलीग्राफ परीक्षण के विपरीत नार्को परीक्षण में व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल जैसी दवाओं का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह व्यक्ति कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोश अवस्था में पहुंच जाता है। इस दौरान जिस व्यक्ति पर यह परीक्षण किया जाता है उसकी कल्पना शक्ति तटस्थ अथवा बेअसर हो जाती है और उसकी सही सूचना प्राप्त करने या जानकारी के सही होने की उम्मीद की जाती है। हाल के कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान नार्को परीक्षण किया जा रहा है और अधिकांश लोग इसे संदिग्ध अपराधियों से सही सूचना
प्राप्त करने के लिए यातना और थर्ड डिग्री के विकल्प के रूप में भी देखते हैं। हालांकि इन दोनों ही विधियों में वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता दर प्राप्त नहीं हुई है और चिकित्सा क्षेत्र में भी ये विधियां विवादास्पद बनी हुई हैं। ये क्लियर नहीं है कि सही परिणाम इसके आएंगे, ठीक है, तो ये भी एक तरह से विवाद है। अगर हम नार्को परीक्षण के इतिहास की बात करें तो जानकार मानते हैं कि नार्को शब्द ग्रीक शब्द नार्के, जिसका अर्थ होता है बेहोशी अथवा उदासीनता होता है, से लिया गया है। इसका उपयोग एक नैदानिक और मनोचिकित्सा तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई थी, जब टेक्सास अमेरिका की एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ रॉबर्ट हाउस ने दो कैदियों के परीक्षण हेतु नशीली दवाओं का प्रयोग किया था। आप लोग समझिए कि क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है और आंसर राइटिंग में भी, मतलब आंसर राइटिंग में इंटरव्यू में भी, ठीक है, मौके जब देखते हैं आप। देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि आपसे पूछ लेगा कि जो नार्को टेस्ट है अभी अभी हाल में ही चर्चा में था, इससे संबंधित नीचे जो कथन दिए गए उन्हें सही चुनना है आपको कथनों में से। आपको एक दो चार ऑप्शन देगा, एक दो तीन सही है, दो चार सही है, तो आप इस तरह से मुझे लगता है कि आपको देखना होगा। या मेंस में अगर लिखित परीक्षा में पूछ लेगा तो नार्को परीक्षण अभी हाल ही में चर्चा में था, या पूछ लेगा क्या है इसका इस पर एक टिप्पणी कीजिए, आप लोगों को लिखवाना होगा, ठीक है, 250 शब्द में भी आ सकता है। और कई स्टेट पीसीएस में देखते हैं आप लोग, एमपीपीएससी में 3 नंबर का आ जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह के पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान और पॉलीग्राफ तथा नार्को परीक्षण की बात करें तो भारत में पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण से संबंधित कानूनों को समझने के लिए हम संविधान के अनुच्छेद 20(3) में का विश्लेषण कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए संदिग्ध किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3(20)(3) की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग कुछ भी याद रखिए आर्टिकल में, आप इंडिया में रह रहे हैं और भारतीय है तो मैं तो कहता हूं कि आपके अपने जो भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें जरूर याद रख लीजिए, और दूसरा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पूरा संविधान मैं कहता हूं कि आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मत आप लोग पढ़िए पूरा संविधान, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा संविधान पढ़िए, लेकिन मौलिक कर्तव्य, अपना मौलिक अधिकार, इन दोनों चैप्टरों को मतलब कहीं से भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 20(3) के मुख्य 3 घटक हैं, या किसी अभियुक्त से संबंधित अधिकार है, यह गवाह बनने की व्यवस्था के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, यह ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ सबूत पेश करने पड़ सकते हैं। याद रहे कि वर्ष 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि अभियुक्त की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की लाई डिटेक्टेड टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें याद रखिए, आप समझिए कि अभियुक्त जो भी इसमें शामिल है उनकी एक तरह से सहमति आपको लेनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से इस प्रकार के परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाजत होनी चाहिए, और वकील तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति को इस प्रकार के परीक्षण के सभी शारीरिक और भावनात्मक और कानूनी निर्धारित के बारे में समझाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने सन 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी कहा था, ठीक है। तो इन केस को भी याद रखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के आंकड़े अगर आप आंसर राइटिंग में डालते हैं, कहीं आप लोग बताते हैं तो कहीं किसी से बहस भी कर रहे हैं आप लोग, तो मुझे लगता है अच्छी बहस कर सकते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2000 में प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार अभियुक्तों की सहमति के बिना कोई लाइट डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए। साथ ही अभियुक्त को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह परीक्षण करवाना चाहता है अथवा नहीं। यदि अभियुक्त अथवा आरोपी स्वैच्छिक रूप से परीक्षण का चुनाव करता है तो उसे उसके वकील तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, और पुलिस तथा वकील का दायित्व है कि वे अभियुक्त को इस तरह के परीक्षण के शारीरिक भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ के बारे में बताए कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है।
उसके बारे में एक तरह से आप समझिए कि आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम टीचर का यही काम रहता है कि आपको बता दे कि इसमें क्या क्या होता है। इसके सभी आप एक तरह से कहिए कि सभी पहलुओं को आप लोग देख लें। परीक्षण के संबंध में अभियुक्तों की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियुक्त का प्रतिनिधित्व विधिवत रूप से एक वकील द्वारा किया जाना चाहिए। परीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए बयान को एक वालिया बयान नहीं माना जाएगा और लाई डिटेक्टर टेस्ट को किसी एक स्वतंत्र एजेंसी जैसे अस्पताल द्वारा अभियुक्त के वकील की उपस्थिति में किया जाएगा। अब बात करते हैं अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य लोगों का परीक्षण। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, इस केस को जरूर याद रखिए। बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि किसी व्यक्ति को जबरन इस प्रकार के परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, चाहे वह आपराधिक मामलों की जांच के संदर्भ में हो अथवा किसी अन्य स्थिति में। इस प्रकार न्यायालय ने अपने निर्देश में परीक्षण के लिए सहमति की आवश्यकता के सिद्धांत के दायरे के अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य लोगों जैसे गवाह हो गए, पीड़िता और परिवार वालों आदि तक का विस्तृत कर दिया था। ठीक है, न्यायालय ने यह भी कहा था कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे इस प्रकार के परीक्षण के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देना जैसा है। 3 सदस्यीय पीठ के मुताबिक यह महिलाओं के साथ दुष्कर्म संबंधी अपराधों के मामले में जांच में तेजी लाने की आवश्यकता है, किंतु इसके बावजूद पीड़िता को जबरन परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मानसिक गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप होगा। तो आप समझिए कि आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम लोग पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण के हालिया जो उपयोग हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अधिकांश मामलों में जांच एजेंसियां आरोपी या संदिग्धों पर किए जाने वाले ऐसे परीक्षणों की अनुमति लेती है, किंतु पीड़ितों या गवाहों पर यह परीक्षण शायद ही कभी किया गया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जांच एजेंसियां इस तरह की मांग कर सकती हैं कि ये परीक्षण उनकी जांच में मदद करने के लिए है, किंतु इस संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षणों के लिए दी गई सहमति अथवा इनकार करना उसके निर्दोष होने अथवा अपराधी होने की प्रतिबिंबित नहीं करता है। बीते वर्ष जुलाई माह में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को मारने वाले ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर का इस प्रकार के परीक्षण कराए जाने की मांग की थी। सीबीआई ने ही पंजाब नेशनल बैंक के कथित धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी के परीक्षण की भी मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने अभियुक्त की सहमति ना होने की स्थिति में याचिका खारिज कर दी थी। तो सीधी बात आपको इतना मालूम होना चाहिए, इन केसों को भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में आप लोग डालते हैं, कहीं आप लोग इनका यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका पलड़ा भारी रहेगा। ठीक है, तो मुझे तो लगता है इतना आप लोग शिक्षा देता रहना चाहिए आपको अपने परिवार, ठीक है, अपने आपके बच्चे को कि सही गलत का कम से कम फर्क तो समझ में आए। अभी आप लोग सोशल मीडिया पर जाके देखिए, आधे से अधिक, मतलब आप सोचिए कि 90-95% तो झूठी खबरें ही, मतलब एक तरह से वायरल हो रही है। सच क्या है उसका कोई पता नहीं है, गलत क्या है उसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन हम अपनी मगन हैं अपनी, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए खैर छोड़िए, आप सोचिए कि इन लोगों के बारे में हम कर भी तो कुछ नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। कोई अभी लिख रहा था आर्टिकल, मैं देख रहा था, वहां बहुत बढ़िया बात लिखी है कि अभी उस पीड़िता को सभी लिख रहे हैं अपने फेसबुक पर कि बहन को, हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर रोड पर, अगर कहीं गली चलत, मतलब कोई परेशान कर रहा है किसी लड़की को, या लड़की को छोड़िए, मतलब किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आवाज उठानी चाहिए, वहां अपनी बहन की नजर से देखना चाहिए ना, वहां अपना बहन का भाई का फर्ज निभाना चाहिए ना, वहां मानवता का फर्ज निभाइए, तो इस तरह की घटना आने की नौबत ही नहीं आएगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो वहां तो आप सोचते हैं कि चलिए निकल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारा परिवार का थोड़ी मेम्बर है, समझ रहे हैं। तो आप लोग समझिए, थोड़ा जागरूक रहिए, मुझे लगता है कि कोई भी देश में आप लोग जाके देखिए, आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका प्रेसिडेंट, मतलब आप सोचिए राष्ट्रपति के दोनों की बहस होती है खुली मंच पर, कि आप सोचिए कि आपका विजन क्या है हमारे देश को आगे बढ़ाने में,
और हमारे यहाँ के नेताओं की देखिए, हमारे नेता अगर मतलब आप सोचिए, हमारे नेताओं की बहस कभी नहीं होती है कि एक मंच दिया जाए, जनता उन्हें सुने कि दोनों का विजन क्या है। हमारे यहाँ इस तरह की बहस ही नहीं होती है। हमारे यहाँ बहस होती है, आप देखते हैं कि चैनलों पर कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं, आप समझ रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करते रहते हैं। तो ये हालत है उनकी, और उसी हिसाब से हम भुगत रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ भी रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। खैर छोड़िए, भगवान भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है।